हेलो गाइस, वेलकम है गाइस। आज मैं आपको लेकिन वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था और साथ ही साथ इंस्टा पे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे इस तरह के वीडियो बनाते किस तरीके से, वही आज के वीडियो में जाने के। इस तरह के लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर खुद का वीडियो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते, या फिर आप टिकटॉक से भी कोई वीडियो यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर इस तरह के वीडियो बना सकते। और इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर ऐसे वीडियो को आराम से वायरल कर सकते। इसके लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपने कैनवास टैब को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर टैप करके आपको इन दोनों रेशो में से कोई एक रेशो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये वाला रेशो में सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा, जिस वीडियो के साथ हम यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करेंगे। तो वीडियो को लेकर आने के लिए आप यहाँ पे मीडिया वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे अंश पंडित भाई की यहाँ पे वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे खुद का वीडियो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपने बनाए होंगे तो, या फिर आप यहाँ पे अंश पंडित भाई की भी यहाँ पे वीडियो लेकर आप यहाँ पे ऐसे वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस वीडियो में आपको लिरिक्स को ऐड करना होगा। सबसे पहले लिरिक्स को ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक लाइन को आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप ध्यान से सुन लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करना है। तो लिरिक्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको टेक्स्ट में चले जाना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट लाइन को आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो भी अंश पंडित भाई यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहे उस लाइन को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्स्ट लाइन को मैंने लिख दिया है, जो हमसे नज़रें नहीं मिला पाते थे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि अगर आप इसमें इमोजी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इमोजी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे इमोजी को ऐड करना है, ताकि आपकी लाइन के साथ यहाँ पर मैच हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमोजी को ऐड कर सकते हैं। इमोजी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन आ जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसका फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पे कैनवास के स्टोर में जाकर और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे फॉन्ट स्टाइल को आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंस्टॉल कर रखा है लॉबस्टर यहाँ पे, जो कि ये चलता भी है टिकटॉक पर, तो आपको भी इस तरह के यहाँ पे ये वाला फॉन्ट स्टाइल आपको ले लेना है कैनवास के स्टोर में जाकर। जब आप यहाँ पे ये वाला फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये वाला भी फॉन्ट स्टाइल कुछ ज़्यादा यहाँ पे चलता है, या फिर आप यहाँ पे एक और भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा भी चलता है टिकटॉक पर, वो है यहाँ पे लव वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉन्ट स्टाइल है आपको यहाँ पे कैनवास में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप कैनवास के अगर स्टोर में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये वाला फॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पर आप ये सोच रहेंगे कि मेरे कैनवास में ये वाला फॉन्ट आया किधर से, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चले एग्जाम्पल के लिए ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट का कलर भी आपको देना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे और इस टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ से आपको ग्लो और आउटलाइन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे ग्लो का भी कलर आप दे सकते हैं, कि जो भी आपको यहाँ पे कलर देना है आप यहाँ पे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रेड कलर मैंने दे दिया, और इसी तरीके से आप यहाँ पे शेडो में भी आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो फॉन्ट है और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट में क्या करना है कि एनिमेशन देना है। आपको इन एनिमेशन में आ जाना है, और यहाँ पे शुरुआत में जो एनिमेशन आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेशन मिल जाते हैं। आपको जो भी देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एंटर स्लाइड राइट वाला देता हूँ, और यहाँ से आप टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं नॉर्मली रहने देता हूँ, और इसके बाद आप यहाँ पे आउट एनिमेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको जो भी देना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पे छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से, यानी ये वाला लाइन जहाँ तक आ रहा है इस वीडियो में वहाँ तक हम इसे लगा लेंगे, और इसके बाद आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसे अगर आप छोटा करना चाहते हैं यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद हमें इसके बाद वाले लाइन को भी लिखना होगा, तो इसके बाद वाले लाइन को लिखने के लिए हम फिर से यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, फिर से टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं कि आपको इस लेयर का डुप्लीकेट कर लेना है। यानी आपको इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको इस लेयर को आगे की तरफ कर देना है, यानी आपको इसी पर क्लिक करके आपको इसे आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देना है। अब आपको यहाँ पर इस लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको सबसे सभी को यहाँ पर कट कर देना है कुछ इस तरीके से।
तो इस तरीके से मैंने इसके बाद वाले लाइन को लिख दिया है। अगर आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पे गूगल पर जाकर सर्च कर सकती है, इससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एनिमेशन को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ। अब हमें यहाँ पे फिर से इसके बाद वाले लाइन को लिखना होगा, तो आपको सेम इसी तरीके से मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको यहाँ पे इसके आगे लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके बाद वाले लाइन को मैंने लिख लिया है। चलिए यहाँ पर मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जब तक हमसे नजरें नहीं मिला पाते थे वो आज हमसे जबान लड़ा रहे हैं, कि जो हमसे नजरें नहीं मिला पाते थे वो हमसे जबान लड़ा रहे हैं। शायद समय खराब चल रहा है इसीलिए ये लोग हमें चलना सिखा रहे हैं। जब आपका वीडियो यहाँ तक बन जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। और इस वीडियो में अगर आप कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे कलर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। और इस तरह की वीडियो भी आपने देखी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर यहाँ पे पसंद आता है आप यहाँ पे वो कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वीडियो में कलर फिल्टर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको वीडियो को अपलोड किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस साउंड पे आपने यहाँ पे वीडियो को बनाया होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसी साउंड पे मैंने यहाँ पे वीडियो को बनाया है, तो यहाँ पर मैं इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, नीचे आपको यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है जो अभी हमने कैनमस्टर से एक्सपोर्ट करा था। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसका ओरिजिनल साउंड पूरा कम कर देना है। यहाँ से आपको साउंड ट्रैक को पूरा फुल कर देना है। फिर इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ इफेक्ट अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ इफेक्ट आप दे दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग भी आपको देना होगा। तो हैशटैग में आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे हैशटैग दे दीजिएगा और साथ ही साथ कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग भी आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वीडियो को आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है। अब चलिए आपको मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि आपको किस तरह से वो जो फॉन्ट था लव वाला वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल किस तरह से करना है कैनवास में वो जान लेते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर आप इस तरह के फॉन्ट स्टाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फॉन्ट को आपको गूगल पर जाकर सर्च करके वहाँ से आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। फिर उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की मदद से इस कैनवास में आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ये बिल्कुल एक मोड तरीका है जो कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आपको यहाँ पे ये काम करना होगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल करना है कैनवास में। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लाइक चाहिए तो आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन सभी टिकटॉक स्टार को यहाँ पे फॉलो करके रखना है जो इस टाइप के यहाँ पे वीडियो को बनाते हैं, जैसे कि साड़ी वाले वीडियो जो भी बनाते हैं, साड़ी वाला हो गया या फिर मोटिवेशन टाइप के वीडियो जो भी बनाते हैं, उन सभी को सबसे पहले आपको फॉलो करके रखना है ताकि वो जब भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। जैसे न्यू वीडियो आती है तब आपको यहाँ पे करना क्या है कि उसी साउंड पे आपको यहाँ पे लिरिक्स वाले वीडियो आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको यहाँ पे जब बन जाएगा वीडियो आपका तो उसको आपको यहाँ पे उसी साउंड में जाकर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ अपलोड करेंगे तो आपके वीडियोस पे जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइक्स मिलने के चांस है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है तभी आपकी वीडियो यहाँ पे वायरल हो पाएगी। तो चलिए बस आज वीडियो बस ये बताना था आपको कैसे लगी, आप मुझे कमेंट कर सकता है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा।